वक्त एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको फटाफट दे देते हैं। ऑनलाइन धर्म परिवर्तन का अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। नाबालिग बच्चे के धर्म परिवर्तन का मुंबई के युवक पर आरोप लगा है। ऑनलाइन गेम का सामान खरीदते समय बच्चा युवक के संपर्क में आया, परिजनों ने बच्चे को सेक्टर 23 की मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। तो ये ऑनलाइन धर्म परिवर्तन का अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। धर्म परिवर्तन का मुंबई के युवक पर आरोप लगा है, परिजनों ने बच्चे को सेक्टर 23 की मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा है, जिसके बाद परिजन जो है वो हैरत में पड़ गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ऑनलाइन गेम का सामान खरीदते समय बच्चा एक युवक के संपर्क में आया था और बच्चे ने सेक्टर 23 में नमाज पढ़ना कुछ समय बाद शुरू कर दिया। ये ऑनलाइन धर्म परिवर्तन का अपने आप में एक अजीब मामला है। थाना क्षेत्र कबीनगर में कल एक व्यक्ति द्वारा ये सूचित किया गया कि उनके पुत्र को कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा धर्मांतरित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग लेने लगा है। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। तो ये ऑनलाइन धर्म परिवर्तन का अपने आप में एक अनोखा मामला जो कि गाजियाबाद में देखने को मिला है, जहां पर ऑनलाइन बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, ऐसा आरोप उसके परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। बच्चा सेक्टर 23 की मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा गया, जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो हैरत में पड़ गए कि कैसे उनका जो बच्चा है वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। गेमिंग का सामान खरीदने के चलते इस युवक के संपर्क में बच्चा आया था, मुंबई का युवक बताया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है इस युवक के द्वारा इस बच्चे को बरगला गया है, जिसके चलते बच्चा जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा है। धर्म परिवर्तन का मुंबई के युवक पर आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को दे दी गई है। अब गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस पूरे मामले में और पूरे मामले की जांच शुरू कर रही है।